फ्रेंड्स, अभी वो है काम, अभी जा रही हूँ घर। घर पे जाके क्या आज बनाना है वो सोचेंगे। अभी धूप है यार, बहुत गर्मी है, सच बोले तो पानी पानी हो गई सामान। तो जा रही हूँ अभी घर पे, क्या बड़े आज रेसिपी। नन्नी क्या कर रही है पता नहीं, जा रही हूँ फिर मिलूंगी अब से घर पे। हेलो फ्रेंड्स, अभी आ गई घर पे, आज खाना बनाएंगे। लेकिन इतना गर्मी ना आते आते ऐसे टायर्ड हो जाते, टुस हो जाते हैं हम तो। और नानी पता है पेट्रोल का भाव बढ़ गया, रात को भरने गई थी। तुझे पता है वो चीज़ हमें सुबह ही पता थी कि सुबह ही मेरे कॉलेज में डिस्कशन हुआ था कि पेट्रोल का भाव बढ़ गया फ्रेंड्स के बीच में। मैं तभी ना मेरे फ्रेंड्स को बोल रही थी पेट्रोल का भाव बढ़ गया नानी, आज तो मेरे को शौक ही हो गया है। मैं आज पेट्रोल भरी सुबह तो कितना होगा, मैं बोले इतना महंगा, 2 रुपए 1 लीटर के पीछे कैसे चलेगा घर। 2 रुपए 1 लीटर के पीछे, पहले कितना था, 120 110 था, 112 हो गया है अभी। पता नहीं होते होते सब बढ़ते जाएगा। अच्छा, पगार तो बढ़ता नहीं है लेकिन हर चीज का भाव तो बढ़ ही जाता है, कैसे वो ये होगा मैनेज करूंगी पता नहीं। और पगार बढ़ाने को मैं किससे बोलूं, अभी कोविड का पहले तो 60 रुपए था पेट्रोल, अभी हो गया 110 रुपए, अभी 112 रुपए, कैसे मैनेज करेगा। तुम काम पे बोलकर देखो फिर, क्या काम पे गाओ पगार बढ़ाने को। अरे वो बढ़ाने का होता तो पहले ही बढ़ाते, वो लोग भी बढ़ाते ना, कहाँ बढ़ाते पगार। अभी 2 रुपया बढ़ा है, अभी सुनने में ऐसे कम लग रहे 2 रुपया, 2 रुपए का 10 हो जाएगा, 10 का 20 हो जाएगा, कभी वो कितना, अभी क्या बता रहे 110 में मिल रहा है ना, 112 में मिल रहा है, कब 120 हो जाएगा, कब 130 हो जाएगा, कब एक दिन में बोलता पहले 111 था फिर 112 हो गया अभी, तो एक दिन में 1-1 रुपए बढ़ेगा तो अभी क्या कितने में पहुँचाएगा। वो बहुत ये हो रहा है, छोटी छोटी चीज में भी ना बहुत ये हो रहा है, मुश्किल होता है सब। नहीं समझ गए मुझे, चलो अभी खाना बना लेते, खा लेते, देर भी हो रहा है। हाँ थोड़ा रेसिपी बनाना है, रोज हमारा वीडियो तो ना पता नहीं कभी हम पहुँचेंगे। छोड़ो चलो देखते, अभी नेगेटिव सोचते रहेंगे तो यही होगा, यही आज जाने दे पापा, ये सोच सोच के दिमाग खराब होता है, जो जैसा हो रहा है ना होने दो, बहते जाने का उसके अंदर आ गया, और इलाज नहीं। गो विद द फ्लो, बी पॉजिटिव, पता है टेंशन हो रहा है, रेट बढ़ेगा ही, कुछ भी हो रेट बढ़ने ही वाला है, वो ना तेरे काम वालों को भी समझना चाहिए। तेल ही बढ़ेगा गया भर का, इसके लिए मैं तेल भी तो बड़ा खाने का तेल, लेकिन ये तो पेट्रोल भरने पर तो बड़ा टेंशन हो रहा है मेरे को, पता ना नहीं जाने आने में इतना लंबा, जाने आने में भी उन लोग को मालिक लोगों को भी बोलने की जरूरत है, उनको भी पता है सब भाव बढ़ रहा है, लेकिन पगार तो बढ़ाना चाहिए, किस किस को बोलेगा पगार बढ़ाओ, वो साल में नहीं 2 साल में बढ़ता है ऐसा बोलता है पगार, बोलेगा तो एक बार बोलकर देखो पगार। अरे बाबा तू जैसे सोच रहे वैसा नहीं है सर, समझ में आता है, पर जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक कुछ होगा भी नहीं ना, ऐसा बोल रहे किस किस में हाथ रोके, किस किस में अपन ये हाथ खींचे बता। चलो कुछ बनाते हैं अभी, खाते हैं फिर बाद में करते मिलते, बाय। अच्छा मैंने कांदा टमाटर सब काट दिया, मैंने ब्रेड भी लिया है, पाव भी लिया आपने, वो पाव बाद में रात को खाएंगे, ब्रेड ना वीडियो के लिए चाहिए था इसीलिए ब्रेड लेना पड़ा, मैं तुम्हें लेने वाली नहीं। अच्छा अच्छा, तो क्या अभी सीरियस बात ही है, मैं ऐसा कुछ ये नहीं बोल रही हूँ, बट मेरे क्लास में क्या हुआ, क्लास में भी कॉलेज में भी डिस्कशन हो रहा था कि पेट्रोल का भाव बढ़ गया बिग गया ना, तो मैं ऐसे बोली, मुझे सच्चे में वो बोलने के बाद मैं ऐसे देखते रहे, उन्होंने उनको भी पता नहीं था कि एग्जैक्ट कितना बड़ा, पर सब लोग को था कि बढ़ गया, तो मैं बोली बाप रे बाप अभी प्राइस बढ़ गया, मेरी मम्मी पक्का चिड़चिड़ जाएंगी, पक्का उनको भी ये होगा टेंशन होगा करके मुझे लगा ही, तो मैं बोली रही थी, और ना ये अभी मम्मी बोली नहीं, अभी मजाक में बोली नहीं, बट वो कभी भी ना हमेशा ऐसे पेट्रोल का भाव बढ़ता है ना, मम्मी बोलती है मैं अभी साइकिल लेकर जाऊँ, मम्मा तो अभी तुम्हारा प्लान है साइकिल लेकर जाने का। अरे नहीं, साइकिल चलाना ऐसा
जाती हूँ हमेशा की साइकिल चलाऊंगी, लेकिन चलाऊंगी कैसे, पैर ऑलरेडी दुख रहे, गर्मी को जिसे पता है नानी, ऊपर ऐसा मौसम वातावरण गर्मी है, ऊपर से गैस के दर खड़ा रहना पड़ता है और पैर जलते नानी इतना पता है। मैं भी मम्मी ने पहले वो हमेशा बोलती है, तो मैंने बस वो ऐसे बताया उनको, तो वो लोग भी बोलने लगे ऐसा क्यों, बोलिए ऐसे हमेशा मम्मी बोलती है कि साइकिल ले भाई, स्कूटी से अच्छी साइकिल है घर के, एटलीस्ट पेट्रोल तो नहीं भरना पड़ता, पर इतना लंबा जाने को मम्मी 3 किलोमीटर तक जाती है, तो वो इस बार 5 किलोमीटर तक कैसा क्या बोलते ना साइकिल चला के जाएंगे, इसके लिए स्कूटी अच्छा पड़ता है उनको, वो बस मम्मी ऐसा बोलती थी। मैं उनको बताया कुछ, आज अंडा ऑमलेट बना रहे तो वो ही खाएंगे अभी, देखते। वेलकम बैक टू अवर किचन। 3 दिन से आप हमारे किचन में हैं। हाँ हाँ, हम हमारा ही किचन दिखाएंगे लोगों का क्यों। अभी थोड़ा मम्मी थोड़ा सा जल्दी आने लग गई है। अरे कभी कभी अभी ना वो ये काम हो, अभी जाने दो, अभी बात नहीं करने का उसका, चल भाई। अच्छा, तो मैं बना रही हूँ आज ऑमलेट। इस तरह ऑमलेट ना कभी भी आप खाओगे ना तो भूलोगे नहीं। तो मैं अभी ये ऑमलेट के लिए मैं हरी मिर्ची ले रही हूँ, मसाला ऑमलेट। अरे ये हरा धनिया, ये ननी ने बारीक कटी कट करके रखी है, बारीक कांदा, अरे ये टमाटर, ये सब अभी रेडी। इसमें अभी नमक, अंडा लेके आओ। इतना सारा मम्मी? अरे लगेगा जितना, अभी 4 अंडा फोड़ना है तो लगेगा ना, अंडा लेके आओ, बंद कर। ऐसा अगर वो ज्यादा नमक है, नमक ही नहीं डालती। ये क्या आइसक्रीम? दही आइसक्रीम जैसा लग रहा है ना। मुझे दही शक्कर डाल के बहुत पसंद है। हाँ मेरे को पता है, तुम ऐसे ही खाने वाली हो, इसके लिए तो सब लाना पड़ता है मेरे को। लो ये अंडा लाया। अंडा 6 रुपये ही है ना? 5.5 रुपये। अच्छा आप वहाँ से? लेकिन चिकन का भाव बढ़ गए, मैं तो बोला इतना महंगाई में मैं चिकन ही ना खाऊँ, अच्छा मैं अंडा ही खाऊँ। अभी इसमें अंडा फोड़ देती हूँ। अरे दो, 3, अयो संभाल कर, ये 4। ये क्यों नाटक कर रहा है, इतना अंडा अभी आराम से पुटी दे, ये नाटक करने के लिए रेडी हो गया। अभी 4 अंडा रुको, मैं वहाँ की लाइट बंद करके आती। नहीं नहीं रेंदे रेंदे भी, अरे गर्म होता है ये भी लाइट चालू रहेगी ना तो गर्म लगता है। हाँ अभी ठीक है। चिली फ्लेक्स नहीं है? नहीं है, खत्म कर दिया तूने? चिली फ्लेक्स लाया है? नहीं, चिली फ्लेक्स कहाँ लाया कभी? अरे था ना, मैं पढ़ा था इतना, ओरिगानो ही था, चिली फ्लेक्स नहीं था। चल ठीक है, बंद कर। मिर्ची पाउडर डाल देंगे हम, देसी बनाएंगे। अरे ग्रीन चिली डाला है, जरूरत नहीं है। अभी ये सब डाल दिया है, हम मिक्स कर लेंगे। ऊपर उठाओ जरा सा, इसमें ना थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, उससे ना वो स्मेल नहीं आता अंडा का, एकदम वो जो उग्र स्मेल होता है ना, उग्र मतलब स्ट्रांग स्मेल रहता है ना अंडे का, वो नहीं आएगा। कभी भी आप ऑमलेट बनाएंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन जरूर डालना, 4 अंडे के लिए इतना साधन। अदरक लहसुन के पेस्ट के बारे में पूछा? हाँ, पूछा था। हाँ एक दिन बताएंगे हम उसको, अभी तो इतना फिलहाल बना दिया। हाँ इसीलिए अभी इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा अभी मिक्स कर लिए साइड में। अभी ये कढ़ाई लेंगे, इसमें तेल पैन लेंगे, अच्छा खासा तेल, इसमें ना थोड़ा तेल जास्ती लगता है, इसको रख देंगे। हम दोनों पैन में बनाएंगे, इसलिए 2 पैन लिए। नहीं अभी तो एक ही में बनाएंगे, बट लिया है वैसा।
तो अभी मैं ले रही हूँ ये ब्रेड, आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं ना, वाइट ब्रेड भी, मैं तो वाइट ले आया हूँ तो मैं यही लूँगी। अभी मैं इसको पीस कट कर देती हूँ, ये दो है, स्मॉल स्मॉल क्यूब बना लेती हूँ इसका। तेरे हाथ से करना तो टूट जाए वो, नहीं सॉफ्ट फ्रेश रहता है ना वो, ऐसा टूटता है वो, एक दिन पुराना रहता है ना ब्रेड वो, फिर वो टूटने वो टूटता नहीं है, ऐसा ऐसा चूरा नहीं होता है एकदम अच्छा। फ्रिज में रखा हुआ भी क्यूब अच्छा पड़ता है, ये देख सकते हैं ऐसा बना लिया। ये बनाएंगे ना आप बच्चे लोग को दे सकते हैं ब्रेकफास्ट में, बहुत अच्छा है और टेस्टी है और हेल्दी भी। आप वाइट नहीं तो ब्राउन ब्रेड भी डाल सकते हो, और जो वेजिटेबल चाहिए वो भी डाल सकते। एक ऐसा कट किया, एक हम ऐसा कट करेंगे। ये क्यूब में और ये ऐसा ट्रायंगल शेप, इन्हें बच्चा लोगों को ऐसे माउंटेन शेप, माउंटेन बोलना पड़ता है तो वो मैंने अभी गर्म कर लिया है। तो अभी ये आमलेट का ये जो तैयारी मिश्रण डाल देती हूँ इसमें, लगभग भर के तो फैला लेंगे। बहुत अच्छा टेस्टी बनता है नानी, तूने एक बार मैंने बनाया था मशरूम के साथ ना, हाँ मशरूम डाल के बनाया था, बच्चे लोग ज़्यादातर मशरूम पसंद नहीं करते इसलिए मशरूम नहीं डाला मैंने। अभी मैं ये बना रही है माउंटेन वाला, तो मैं इसके ऊपर ये ब्रेड का साइज सब रख देती हूँ ऐसा इस तरह, और ये सब मैं इसे बना लेती हूँ। ये पक गया था छोड़, और डाल दो, जगह है ना, जगह तो है बट वो शेप के लिए ये देख रही थी, छोड़ छोड़ दिखना चाहिए ना अच्छा जगह। देख सकते हो ना, अभी इसको हम क्रश करेंगे ऊपर से, हम इसको क्रश करेंगे धीरे से क्योंकि वो एग में डिप हो जाए, नहीं तो अलग से निकल के आ जाएगा ब्रेड को थोड़ा दबाना। हाँ ये हो गया, अभी मैं इसको हम पलट देंगे, इसको फोन को साइड में लो, ये दूसरा है ना इसका वाला। अब हम इसको धीरे से पलट देंगे, ये हो गया एकदम टेस्टी गोल्डन ब्राउन। मैं अभी इस तरफ से दो मिनट पकने, हाँ क्योंकि वो ब्रेड भी ब्राउन होगा और अच्छा और टेस्टी, वो बाकी का अंडा भी पक जाएगा वो ब्रेड में पकड़ लेगा। हिल क्यों रही है, थक गई है तू भी, तेरा भी क्लास है ना। मैं भी थक गई है, मेरे को तो टेंशन ही आता, हो जाएगा कंप्रेस। ओ कंप्रेस होने से क्या, हाँ थांबा धारा हमारा। ये अभी रेडी हो गए, मैं अभी निकाल देती हूँ इसे, फोन को लगा ना थोड़ा सा। ये हो गया हमारा टेस्टी यम्मी आमलेट, आप देख सकते हैं शेप कितना सुंदर दिख रहा है, और ये पक गए है। ये इतना टेस्टी है ना, ये बच्चों को खिलाए गए, बहुत बच्चों को दे सकते हैं इस तरह, बहुत अच्छा टेस्टी हेल्दी ब्रेड के साथ आमलेट। आज ये ब्रेकफास्ट है, और बड़े भी खा सकते हैं वैसे, इवनिंग में आप दे सकते हैं, और सुबह में बच्चे जाते हैं तो स्कूल कॉलेज तो उनको भी बना के दे सकते हैं। वैसे मैं बनाती हूँ हमेशा, तो नानी तो टूट पड़ती है अभी। ये दूसरी बार बनाया है, सच सच बता, ठीक है सच्ची सच्ची, ये दूसरी बार बनाया था, एक बार बनाया था देखो। हाँ 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 नानी, और एक बार अभी बना देती हूँ मैं, और एक ये क्यूब बोले आप दे सकते हो ऐसा, अभी मैं बना रही ये क्यूब वाले, क्यूब रखती हूँ जरा पास पास में रखो, ब्रेड कम रख लो इसलिए। हाँ अच्छा रख देती, सब ब्रेड खत्म करना है ना, टिंग 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 सब रख देंगे आप, क्योंकि काटे हुए ब्रेड वेस्ट हो जाएंगे ना। नहीं नहीं शाही टुकड़ा बनेगा ना, अभी टाइम नहीं है उसे, वो सब इतना स्वीट अभी खाता नहीं है अभी पहले जैसा, बस चल अभी दो आमलेट बस हो गए ना, ये अभी अगले आमलेट में डालेंगे। अरे बस
हाँ ये अभी हो गए, अभी धीरे से इसको प्रेस करके इसको पकने देंगे। ठीक है अभी बना लो दूसरा। चलो अभी इंजॉय करते हैं ब्रेकफास्ट की चीज, ब्रेकफास्ट की चीज लंच में, ये खाना होता है ब्रेकफास्ट में, हम खा रहे हैं लंच में। अभी खा सकता है, इवनिंग में भी खा सकता है। हाँ गर्म है, मम्मी ने बोला खा लेना इसके लिए खा रही हूँ, मैं उनका वेट कर रही थी पर वो बोली कि खा लो, तो मेरा लेक्चर चालू होने वाला ना। ब्रेड मुझे हमेशा अच्छा लगता है, अच्छा ऑमलेट के अंदर ब्रेड है जिससे डायरेक्ट तोड़ तोड़ के खा सकते हैं, अच्छा ब्रेड को अलग से लेने का जरूरत नहीं है ऐसे पीस पीस में निकाल के। मेरा भी तेरा वो ट्रायंगल माउंटेन था मेरा, क्यों मेरा भी रेडी हो गया, जिंग 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 जिंग। देखा ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, दे ले खा, मैं बता रही हूँ ये दिखने में ज्यादा अच्छा है, रुको दिखाते हैं सब, ये ज्यादा अच्छा है, ये तुमको ज्यादा पसंद आया दोनों, और ये वाला दोनों अच्छा अच्छा दिख रहे हैं ना, आप देख सकते कितना सुंदर दिख रहा है और टेस्टी भी है और फुल यानी पेट भरने जैसा ही है। हाँ नानी टूट पड़ी है ठीक आप भी खा लो, चल आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी हेल्दी है जरूर, सच में आप ये बनाएंगे और खाएंगे मुझे विश्वास है, फिर कमेंट्स कीजिएगा, बाय।